मंथन में जो हमारा चलते चलते सेगमेंट होता है ना, उसका अब समय हो गया है। महंत की महिमा, चलते चलते में हम बात कर रहे हैं महंत की महिमा। महंत ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी की एक प्रतिमा महाराजगंज में लगवाई गई। यूपी के मुख्यमंत्री और अवैधनाथ जी के शिष्य गोरक्ष के पीठ के मौजूदा पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ मेजबान थे और मेहमान थे केंद्रीय रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भी चंदौली से आते हैं, पूर्वांचल से। राजनाथ सिंह ने प्रतिमा का अनावरण किया। योगी जी ने क्या कहा, जरा बहुत तत्परता से सुन लीजिए। गोरक्षपीठ जिसने आज से 50 वर्ष पहले गोरक्षपीठ को देखा होगा तो स्वाभाविक रूप से उनको लगा होगा कि समय के अनुरूप गोरक्षपीठ ने उस प्रकार की रचना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने भूमिका रची, न्यू रखी, और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने उस न्यू पर भव्य मंदिर निर्माण या भव्य भवन के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, और ये हर एक क्षेत्र में हुआ है। वह हमारे गोरक्षपीठ के अंदर हो, नाथ संप्रदाय का जो अखिल भारतीय संगठन है योगी महासभा, उसके साथ हो, खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारी सनातन धर्म से जुड़ी हुई सभी उपासना विधियों के लिए किए जाने वाले कार्य हो, अपने मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना से जुड़े हुए उन मुद्दों पर बिना हिचक, बिना झुके, बिना डिगे, बिना हटे, निरंतर उसके लिए अहर्निश प्रयास करने का कार्य रहा। महंत योगी आदित्यनाथ ने पूज्य महंत ब्रह्मलीन पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी ने जो आधारशिला रखी, जो नींव रखी गोरक्षपीठ की, तमाम जो लैंडमार्क हैं, मील के पत्थर उनके, उनको ऊंचा किया उनके पूज्य गुरु महाराज महंत अवैधनाथ जी ने। कई बार दोनों सांसद भी रहे गोरखपुर से, अब योगी जी 5 बार सांसद रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मठ की महिमा, महंत की महिमा अद्भुत है। राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो भी जरा सुनिए। मैं मानता हूं कि सारे देश भर में पूज्य महंत अवैधनाथ जी परिचय के बहुत नहीं है, सभी लोगों से अच्छी तरह से परिचित है। मैंने बहुत प्रतिमाओं का अनावरण देखा, बड़ी तैयारी के साथ लोग प्रतिमाओं के अनावरण का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन सामान्यतः उस अनावरण के कार्यक्रम में लोगों की रुचि नहीं होती। लेकिन यहां प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, जिस भाव और जिस श्रद्धा के साथ लोग यहां पर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर लोग बैठे हुए हैं, स्थित यहां पर बैठे हुए हैं, यह दर्शाता है कि भारत की सनातन यानी नित्य नूतन और चिर पुरातन जो संस्कृति है उसके प्रति भी आपकी। एक किस्सा भी राजनाथ सिंह ने सुनाया, शायद हमारे सहयोगी वो अंश आप तक पहुंचा नहीं पाए, वो किस्सा भी सुनाया कि राजनाथ सिंह जब छात्र राजनीति किया करते थे, छात्र संघ के अध्यक्ष बने, तो पहली बार वो महंत अवैधनाथ जी से आशीर्वाद लेने गए गोरक्षपीठ, और पहली बार वो गोरक्षपीठ में उन्होंने उस वक्त प्रवेश किया था। और उसके बाद हर माह यहाँ तक कि जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, तो हर माह पूज्य महंत जी के पास जाया करते थे आशीर्वाद लेने, मार्गदर्शन लेने। महंत जी से अपने रिश्तों को सार्वजनिक करके, अपने रिश्तों महंत जी के साथ जो उनकी अपनी यादें हैं उनको लोगों से साझा करके, गोरक्षपीठ के साथ जो उनके रिश्ते हैं उनको और
मजबूत करने की कोशिश की, या यूँ कहें कि जो उन पर हल्की फुल्की धूल जमा हो गई थी उनको झाड़ने पोछने, जैसे कि अभी धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे ना कि जो गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनकी ब्रशिंग की जा रही है। ब्रशिंग अंग्रेजी का शब्द है, थोड़ा झाड़ पोंछ कहते हैं इसको, सफाई है ना, जब दिवाली आती आ रही है तो झाड़ पोंछ के लगाए जा रहे हैं ड्राइंग रूम में। उसी तरीके का कुछ जो इस राजनाथ सिंह के जो भाषण का सार था। तो मंथन में इस सप्ताह इतना ही, सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे तमाम सारी हलचलों के साथ में, कई नए मुद्दों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।